जैसा कि आप सब जानते हैं, रबी का सीजन समाप्त हो गया है और रबी में बोई गई सभी फसलें तकरीबन कट गई हैं। अब किसानों के खेत पूरी तरह खाली हैं। इनमें से ज्यादातर किसान गर्मियों के दौरान अपने खेतों में किसी भी तरह की गतिविधि नहीं करेंगे और खरीफ के सीजन आने तक अपने खेतों को पूरी तरह खाली रखेंगे। किसान भाइयों, खरीफ और रबी की फसलों में खरपतवार, सफेद लट और दीमक का प्रकोप होता है, जिससे फसलें बुरी तरह प्रभावित होती हैं और उत्पादन एवरेज से कम होता है। वहीं कीट, व्याधि, खरपतवार, सफेद लट और दीमक को नियंत्रित करने के लिए किसान के समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। इसका एक किसान के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रामबाण, सरल और साधारण उपाय बताऊंगा, जिसको अपनाकर आप अपने खरीफ और रबी की फसलों को खरपतवार, सफेद लट और दीमक से पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं। और यकीन मानिए, यदि आप इस दौराव को प्रति वर्ष अपनाते हैं तो आपके खेत से खरपतवार, सफेद लट और दीमक जड़ से खत्म हो जाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर PS भाटी में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में बने घंटे को दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब भी मैं कोई वीडियो YouTube पर अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त। किसान खेत की जुताई का काम अक्सर बुआई के समय करते हैं। फसलों में लगने वाले कीट व्याधियों की रोकथाम की दृष्टि से बुआई के समय की गई जुताई से ज़्यादा लाभ गर्मी में गहरी जुताई करके खेत को खाली छोड़ दिए जाने से मिलता है। गर्मी में गहरी जुताई करने से भूमि का तापमान बढ़ जाता है, जिससे कीटों के अंडे, शंकु और लट खत्म हो जाते हैं। फसल की अच्छी उपज के लिए रबी की फसल कटाई के तुरंत बाद गहरी जुताई कर ग्रीष्म ऋतु में खेत को खाली रखना बहुत ही लाभदायक रहता है, क्योंकि कीटों के अंडे, पीपा और लार्वा खत्म होने से खरीफ के मौसम में धान, बाजरा, दलहन और सब्जियों में लगने वाले कीट रोग का प्रकोप कम हो जाता है। अत गर्मी में गहरी जुताई करने से कीड़े बीमारियों से एक सीमा तक छुटकारा पाया जा सकता है। आइए किसान भाइयों, समझते हैं कि गर्मी की जुताई के लाभ क्या हैं। गर्मी की जुताई से सूर्य की तेज किरणें भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिससे भूमिगत कीटों के अंडे, शंकु, लटें एवं वयस्क नष्ट हो जाते हैं। फसलों में लगने वाले उकटा, जड़ गलन आदि रोगों के रोगाणु व सब्जियों की जड़ों में गांठ बनने वाले सूत्रकृमि भी नष्ट हो जाते हैं। खेत की मिट्टी में ढेले बन जाने से वर्षा का जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे खेतों में ज़्यादा समय तक नमी बनी रहती है। गहरी जुताई से दूब, कांस, मोथा, वाया सूरी आदि जटिल खरपतवारों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। गर्मी की जुताई से गोबर के खाद एवं खेत में उपलब्ध अनेक कार्बनिक पदार्थ भूमि में भली भांति मिल जाते हैं, जिससे पोषक तत्व शीघ्र ही फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई से पानी द्वारा भूमि कटाव में भारी कमी होती है। किसान भाइयों, गर्मी की जुताई कब करनी चाहिए? गर्मी की जुताई यथासंभव रबी की फसल कटते ही आरंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि फसल कटने के बाद मिट्टी में थोड़ी नमी रहने से जुताई में आसानी रहती है। गर्मी की जुताई कैसे करें? गर्मी की जुताई 15 सेंटीमीटर गहराई तक किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। यदि खेत का ढलान पूर्व से पश्चिम की तरफ हो तो जुताई उत्तर से दक्षिण की ओर यानी ढलान को काटते हुए करनी चाहिए, जिससे वर्षा का पानी व मिट्टी ना बहे। ट्रैक्टर चलने वाले तवेदार मोल्ड बोर्ड हल भी गर्मी की जुताई के लिए उपयुक्त है। मिट्टी की जुताई करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? मिट्टी के बड़े बड़े ढेले रहें तथा मिट्टी भुरभुरी न हो पाए, क्योंकि गर्मी में हवा द्वारा मिट्टी के कटाव की समस्या समाप्त हो जाती है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर रेत के टीले हैं, रेतीली जमीन है, वहाँ पर आंधी चलती है और रेतीले क्षेत्र के अंतर भूमि की जुताई ना करें। अगर मैं देसी भाषा में बताऊं तो जहां पर तालर और कठोर जमीन है वहां पर खेतों में जुताई करें, और जो टीले वाले खेत हैं उनमें गर्मी में जुताई नहीं करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।